विकास कालरा कला की दुनिया का एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के सहारे कला की दुनिया में एक खास पहचान बनाने में बहुत हद तक सफलता पाई। विकास कालरा के लिए कला की दुनिया में आना किसी पहेली से कम नहीं है। उन्हें खुद भी ठीक ढंग से पता नहीं है कि उन्होंने कभी पेशेवर कला जगत में आने की सोची थी या नहीं। पेंटिंग्स के फील्ड में तो आने की तो कोई बात ही नहीं थी, अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस करने की बात थी। अब से 8 से 9 साल पहले कुछ ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें अपने जीवन में थी जो कि बाहर निकलनी चाहिए। अगर बाहर नहीं निकलेंगी तो अंदर ऐसा कुंजल बन जाएगा कि वो कभी सुलझेगा नहीं। तो अपने आप को एक खाली करने का एक रास्ता ढूंढ रहे थे बड़े टाइम से कि कैसे निकले। संगीत करने में गए लेकिन उसमें मन नहीं लगा। गुरुजी ने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि तुम गा नहीं सकते। और लिखने बैठे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो लिखना चाहते थे जो कि मेरे को लगा कि राइटिंग में वो मज़ा नहीं आएगा। फिर एक लगा कि एक आर्ट एक ऐसी लग रहा था कि अपने आप को खाली करने का एक मीडियम है। जैसे इंसान हर चीज़ कोशिश करता है ये कर लो वो कर लो कर लो, तो वैसे ही हमने आर्ट को वैसी पेंटिंग देखी तो कुछ शुरू किया। एक कैनवस लिया, बनाया, 2 बनाए 3 बनाए, अब तक पता नहीं कितने हज़ारों बना चुके हैं। तो अभी तक खाली नहीं हुए, मतलब कि अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं अपने आप को। इतना सागर अंदर पड़ा हुआ है कि कुछ भी आता है आज और वो कैनवस पे आ जाता है। मतलब अपने आप को खाली करने का 8-9 साल पहले ये बहुत खूबसूरत साधन मिला है। जब कोई कलाकार चित्र बनाने की सोचता है तो उसके सामने ढेर सारे विषय होते हैं, लेकिन उन सब में उन्हीं सब्जेक्ट को वो ज्यादा तवज्जो देता है जिसके सहारे उसे लगता है कि वो अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। विकास के लिए विषयों का कोई बंधन नहीं है। ये हर तरह के विषय को कुछ नए पन के साथ पेश करने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि इनकी पेंटिंग्स में अनूठेपन का एहसास बहुत ही सहजता के साथ किया जा सकता है। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर एक कलाकार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और फिर ढेर सारी कृतियां कैसे बना पाता है। इसके लिए वो प्रेरणा कहाँ से लेता है और वो कौन सी चीजें होती हैं जो उसे कला के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट नहीं गया ना, मेरे को जरूरत नहीं समझी कॉलेज ऑफ आर्ट जाने की, क्योंकि आर्ट तो दिल के अंदर होती है। जो अगर अंदर से बाहर निकल जाती है तो वही आर्ट है, जिस मर्जी फॉर्म में निकले। और ये हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं, तो मेरा ये तरीका निकला कि कलर और कैनवस फेंक फेंक के मारो और अपने आप को। विकास भी खुद को प्रेरित करने के लिए कुछ खास नहीं करते, बल्कि साधारण चीजों में ही कुछ विशेष तलाशने की कोशिश करते हैं। मुझे पेंटिंग बनाने की जो प्रेरणा मिलती है वो मेरे को अपने आप से और जितने लोगों से मैं रोज मिलता हूँ, पूरी दुनिया में देखता हूँ, ये मौसम, ये लोग, ये फूल, ये खुशबू, ये हवा, ये पहाड़, ये नदी, ये बनारस, ये हिंदुस्तान, ये नदियाँ, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये हमारे फूल, ये जामुन, जामुन के पेड़, आम के पेड़, इन सबसे मेरे को सारी इंस्पिरेशन मिलती है। जो भी कोई आ जाए, बहुत वास्ट एरिया है, कहीं से भी मिल जाती है। एक कलाकार जब अपनी कला यात्रा की शुरुआत करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो खुद को स्थापित कैसे करे। जब शुरुआत करी थी तो उस वक्त एक था कि हमको आना चाहिए, कि हमारे पास एक स्टाइल होना चाहिए पेंट करने का। स्टाइल पेंट करने का नहीं होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए अपनी बात कहने का, अपनी सोच को कहने का एक स्टाइल होना चाहिए। जो हमारा स्टाइल होना चाहिए वो किसी और का स्टाइल नहीं होना चाहिए। तो वो स्टाइल जब शुरुआत करी थी तो सिर्फ खोज थी अपनी लैंग्वेज बनाने की, अपना काका लिखने की। विकास के चित्रों की बात की जाए तो इनकी पेंटिंग्स में लाइंस यानी रेखाओं की बहुलता नजर आती है। कई बार जब कलाकार अपनी कृतियों में रेखाओं के प्रयोग के बारे में सोचता है तो उसके जहन में कई ख्याल आते हैं, जैसे कि कहीं रेखाओं के प्रयोग होने के कारण चित्रों के मूल भाव पर असर तो नहीं पड़ेगा, या फिर ये लाइंस पेंटिंग को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर देंगी। लेकिन विकास की कृतियों को गौर से देखने पर कुछ नया अनुभव करने का मौका मिलता है।
इनकी रेखाएं हम सबसे संवाद करती मालूम होती हैं। ये विषय में निहित भाव को जन जन तक पहुंचाने में सहायक बन जाती हैं। एक बात और जो बेहद रोचक है और वो ये है कि इन्होंने कभी लाइंस को स्केल या फिर किसी और उपकरण की सहायता से ड्रॉ नहीं किया, बल्कि इन्होंने इसे अपनी शैली का अहम हिस्सा बना लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो फ्री हैंड शैली में बनी ये लाइंस विकास की पहचान बन चुकी हैं। लाइन तो हम किस हर चीज बने हुए हैं ना। मैं पति हूँ, बाप हूँ, फादर हूँ, बेटा हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ये काम है, ये पेंटिंग मेरी है, तो हर चीज़ हम एक बने हुए हैं। हमारे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, हम सब लाइनों में बंधे हुए हैं बचपन से, एक दिन से नहीं बंधे हुए हमको। जब जैसे ही पैदा हुए वैसे बांध दिया गया था कि तुम इसी के स्ट्रक्चर में हो, तो वो उन्हीं लाइनों में बंधे हुए हैं। तो ये लाइनों का महत्व ये है जो हम हैं आज तक, जो हम जीते आए हैं, कि हम भारतीय हैं या कुछ भी है, जो हम लाइनों में ही बंधे हुए हैं, किसी न किसी चीज में बंधे हुए हैं, तो ये वही लाइन है। कहते हैं कला को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, इसके विभिन्न आयाम होते हैं। इन्हीं आयामों में कलाकार सफर करता है। विकास के चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि कलाकार इसके सहारे यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास जिस जगह की यात्रा पर जाते हैं, वहां के यादगार लम्हों को भी अपने कैनवस पर सजीव करने की कोशिश करते हैं। तो बनारस में मैंने जब देखा, तो वहां पे मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरा फील रहा बनारस में, कि जो मेरे को जीवन दिखा, उसके अंदर सबसे ज्यादा जीवन दिखा उनके पुराने पेड़ों में, उसके बादलों में और नीचे पानी में, तो वो मैंने बनाने की कोशिश करी है। और जो वहाँ पे वो देखा कि जीवन और मृत्यु 24 घंटे उत्सव चलता है, मतलब शमशान भी 24 घंटे चलता है और जीवन भी 24 घंटे चलता है, तो जीवन और मृत्यु का उत्सव 24 घंटे ये बनाने की कोशिश करी है इस लैंडस्केप में। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक चित्रकार उत्कृष्ट शिल्पाकृतियां भी बना सकता है। विकास भी उन गिने चुने कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने मनोभावों को पेश करने के लिए चित्रकला के साथ साथ शिल्पकला को भी माध्यम बनाया। इनकी शिल्पाकृतियां भी नएपन का आभास कराती हैं। छोटे से लेकर बड़े आकार की ये शिल्पाकृतियां कलाकार की गहनतम अभिरुचियों का परिचायक है। अंदर एम्प्टीनेस हो गई थी कि पेंटिंग आना एकदम खत्म हो चुका था। अंदर मैं कैनवस पे जाता था, हाथ पैर चलाता था, नहीं आता था, दारू पीता था तब भी पेंटिंग नहीं आती थी, फिर क्या करता था, फिर मैं वापस आ जाता था। फिर मैंने कुछ और करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अब पेंटिंग पेंट नहीं करूँगा तो मैं किसी गलत दिशा में चले जाऊँगा, कुछ डिप्रेशन में चले जाऊँगा या कुछ ऐसी फालतू की चीज़ों में चले जाऊँगा। तो उससे अच्छा कि अपनी पूरी एनर्जी को मैंने इकट्ठा किया और अपनी एनर्जी को मैंने स्कल्पचर्स में कन्वर्ट किया, स्टार्ट टू मेक स्कल्पचर्स। और फिर जो एक आर्टिस्ट की जर्नी होती है स्कल्पचर की, वो मैंने बड़ी खूबसूरत जी, इतनी खूबसूरत जी आप सोच भी नहीं सकते, कि मैंने वो जो स्कल्पचर बनाने की जो जर्नी थी वो इतनी प्यारी जी, आज मैं 8-8 फुट के स्कल्पचर बनाए, क्या प्यारे प्यारे जो स्कल्पचर बनाए, जो मेरे अंदर के चेहरे थे खूबसूरत और गंदे, अपने पोर्ट्रेट बनाए, बढ़िया बढ़िया स्कल्पचर बनाए। हर सोच को मैंने जैसे कैनवस पर डालता हूँ, वैसे मैंने अपने स्कल्पचर को मिट्टी में डालने की कोशिश करी, और जैसे मैंने मिट्टी में खेलना शुरू किया उसके साथ, तो समझो कि मेरी जिंदगी तक। हर वक्त कुछ नया और अनूठा तलाशने वाले विकास अपने आप को तरोताजा बनाए रखने के लिए संगीत का सहारा भी लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की तरह संगीत की स्वर लहरियां विकास को प्रेरित करने का काम करती हैं। विकास संतूर के जरिए सरस और मधुर संगीत बजाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे खुद के साथ साथ दूसरों को भी खुशी दे सकें। आने वाले समय में भी विकास के जहन में ढेर सारे विचार हैं। मैं आने वाले समय में जो मैं बनाना चाहता हूँ, तो वैसे देखो सोशल कोई सब्जेक्ट तो मेरे दिमाग में आता नहीं, समाज तो वैसे सुधरा हुआ है, लोग कहते हैं बिगड़ा हुआ है, मेरे समय सारा सुधरा हुआ समाज है, हर एक कोई हंसता हुआ दिखता है जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, तो मेरे को तो कोई दुखी दिखता नहीं। और मैं ऐसी अपनी मस्तियाँ बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं घोड़ा हूँ, ऐसा घोड़ा हूँ जो जंगल में बगैर लगाम के दौड़ता है, तो वैसा ही कुछ आज़ादी लोगों को देना चाहता हूँ, जैसे मेरी आज़ादी है
वो लोगों को मैं फील कराना एहसास करना चाहता हूँ कि जो आज़ाद नहीं है ये आज़ाद हो जियो। अलग तरह की शैली में खुद को स्थापित कर चुके विकास के चित्रों की प्रदर्शनी देश विदेश की लोकप्रिय कला दीर्घाओं में आयोजित हो चुकी है, जिसमें नामचीन हस्तियों ने विकास के चित्रों को सराहा भी है। मैं अपनी पेंटिंग से क्या मैसेज देना चाहता हूँ, मैं अपनी पेंटिंग से मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कभी भी डबल फेस जिंदगी मत जियो। हाँ, किसी को हाँ कहना तो उसको हाँ कहो, जिसको ना कहना तो उसको ना कहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ ना मत, बीच में रुक के मत साले बोलो, किसी बीच में रुक के मत बोलो। हाँ कहना हाँ को, ना कहना ना को, उसके आगे हाँ ना मत करो। और अपने साथ भी वही करो, जहाँ तुमने अपने लिए भी हाँ कहना तो हाँ को, जहाँ अपने लिए नो कहना तो नो, समझ के करो और आजादी की तरह। आने वाले भविष्य के लिए संपूर्ण कला जगत की ओर से विकास कालरा को ढेर सारी शुभकामनाएं।